प्यारे भाई और बहनों, जल्दी से जल्दी मेरा YouTube चैनल पे आप सपोर्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आप मेरे से प्यार करें या ना करें, जल्दी से जल्दी मेरा YouTube चैनल एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लाल बटन है उसके ऊपर दबाइए, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी और आपके परिवार हमेशा के लिए सफल हो जाएंगे और घर के अंदर हमेशा के लिए प्यार से जीना सीखिए। अपनों से हटे अपनापन, दिवाली पर दुनिया से रामा सामा कर लेते हैं पर ईद पर दुनिया भर के लोगों को गले लगा आते हैं। प्रदूषण पर 84 लाख जीव योनियों से समापना कर लेते हैं पर हकीकत में अपने उन सौजनों और परिजनों को अपने प्रेम की मिठास देना भूल जाते हैं, जिनके साथ कभी कोई चूक हो जाने पर बोलचाल बंद कर बैठे थे। अरे भाई, तुम किसी से चार शब्द मीठे बोल लोगों तो ना, तो इससे तुम्हारी शान कम हो जाएगी और ना तुम्हारी जायदाद। अपने रिश्तों को मीठा बनाना या जहरीला बनाना सब अपने हाथ में है। माना कि कांटे का हार गले में नहीं पहना जाता है, पर पाँव में कांटा जड़ जाए तो कांटा निखारने के काम अवश्य आता है। इसलिए करना भला हमेशा सबका, बुरा किसी का कभी नहीं करना चाहिए। जैसे पाँव के अंदर कभी कभी पैदल चलते हैं, पाँव के अंदर कुछ भी लग जाता है तो कांटे की सहायता से वापस ठीक कर दिया जाता है पाँव को। इसलिए और गले के अंदर कांटा नहीं पहना जाता, क्योंकि कांटे के अंदर बहुत जहरीला होता है और कांटा जड़ जाए तो कांटा निकालने के काम अवश्य आता है। सौजन और परिजन जन्म जन्म में परम प्रण में मरण में किसी न किसी रूप में तो काम आते हैं। इसलिए भाई से भाई कोई बड़ी बात नहीं है, भाई से हमेशा के लिए प्रेम से जीना सीखिए, क्योंकि पैसा यह कुछ काम का नहीं है। भाई से कीजिए भाईचारे की शुरुआत। यदि आप भाई भाई को लड़ाने के लिए कौन भी आता है तो उसको दूर कीजिए। भाई से बड़ा कोई धन नहीं है, चाहे एक भाई हो, दो भाई हो, चाहे आठ आठ नौ नौ भाई है। हम नौ नौ भाई हैं तो भी हम हमेशा के लिए प्रेम से जीते हैं, क्योंकि भाईचारा बार बार नहीं आता है। भाई से कीजिए भाईचारे की शुरुआत। भाई चाहे हम नौ नौ भाई भी प्रेम से जीते हैं, क्योंकि हम किसी से भी नफरत नहीं करते हैं। मेरे प्यारे देश के जो भी हैं हमारे प्यारे भाई और बहन हैं, इसलिए हम हमेशा के लिए अच्छी बुद्धि देते हैं हमेशा के लिए। बट मेरा YouTube चैनल के अंदर सब्सक्राइब करने के लिए मेरा कौन भी सपोर्ट नहीं करता है। वीडियो हजारों लोग देखते हैं, मेरा अच्छा सपोर्ट किया है, सब्सक्राइब करने का अभी तक एक भी सपोर्ट बराबर नहीं किया है। पीपल वन पर आज हम वीडियो बना रहे हैं, 111 सब्सक्राइबर अभी मेरे मौजूद में है। इसलिए मैं यही बोलना चाहता हूँ, हमेशा आपके परिवार के साथ में खाना खाना सीखिए और परिवार के साथ में जीना सीखिए। दूसरों का कहना कम मानिए, सबसे बड़ा परिवार है, कोई धन बड़ा नहीं है। पैसा आएगा जाएगा, इज्जत एक बार चली गई तो वापस आने वाली नहीं है। अगर आप संसार से तप्त गए हो तो सब छोड़ा कर चले जाओ। आओ आप भी हमारी तरह संत बन जाओ। हाँ, अगर संसार में रहते हो तो इस तरह जियो कि अपने हाथों अपने पाँव पर कुल्हाड़ी ना चले। सबसे हिल मिल कर रहो, एक दूसरे के काम आओ, जरूरत पड़े तो एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस भी करो। मंदिर बनाना जे हिंदू धर्म जाट समाज बौद्ध धर्म हिंदुओं का काम है, हमेशा बनाना, कोई भी काम बनाना बहुत बड़ी बात है। गिरजा बनाना
ईसाइयों का काम है मस्जिद बनाना, मुसलमानों का काम है और हिंदुओं का मंदिर बनाना काम है। इसलिए मैं एक ही बोलता हूँ और सिखों का गुरुद्वारा बनाना काम है, पर भाई भाई होकर भाई के काम आना बहुत ज़रूरी है, चाहे कौन सी भी जाति का हो, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबका काम है। पंथ संप्रदाय सबको भूलकर एक दूसरे के काम आना ही तो भाईचारा है। भाईचारा से बढ़कर धर्म क्या है? भाईचारे की शुरुआत कीजिए अपने भाई से, अपने स्वजनों और परिजनों से। रिश्ते बड़े नहीं होते, उन्हें निभाने वाले बड़े होते हैं। दरारें बड़ी नहीं होती, उन्हें भरने वाले बड़े होते हैं। मेवे में जो महत्व रिश्ते का होता है, जीवन में वही महत्व रिश्ते का होता है। आओ आज हम रिश्ते का महत्व समझते हैं, अपने रिश्तों को दुरुस्त करते हैं, हमेशा के लिए परिवार के अंदर प्रेम प्यार से मिटा से जीना सीखिए। पैसा पैसा करके ये छोटी सी जिंदगी है। आजकल तुम्हारे बाप दादा भी पैसा कौन भी लेके भी नहीं गया है और आप भी लेने वाला नहीं है। और ये लाइफ स्टाइल को दूर चार कदम दूर ही रखना है, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल कुछ काम के लिए। अपने तो अपने होते हैं और पराए ही पराए होते हैं। इसलिए भाई और बहन, माता पिता, दादा दादी से प्रेम से जीना सीखिए और जॉइंट फैमिली के अंदर रहना सीखिए। जॉइंट फैमिली वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड सक्सेस हंड्रेडफुल। इसलिए सिंगल फैमिली वेरी वेरी बैड, ओल्ड लाइफ स्टाइल बेस्ट, न्यू लाइफ स्टाइल वेरी वेरी बैड। पुराने ज़माने की तरह आप जिएंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होने वाली है। और ये लाइफ स्टाइल के अंदर आप जाएंगे, ये लाइफ स्टाइल आप लोगों और हम लोगों का नहीं है, ये सिर्फ इंग्लिश लोगों का है। हमारा तो सिर्फ और सिर्फ संस्कार है। इसलिए प्रेम से जीना सीखिए, अपने आप मतलब ही मत बनना है, काम मतलब ही बनना है, सबका साथ सबका विकास। जैसे मोदी जी ने बोला है, सबका साथ सबका विकास, सब कुछ साथ में चलना है। हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में है भाई भाई, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। इसलिए हम भी बोल रहे हैं। इसलिए और मेरे प्यारे भाई और बहनों को मैं सैल्यूट करता हूँ, मेरे प्यारे बॉर्डर पर मिलिट्री वाले भाइयों को मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि सैल्यूट इसलिए करता हूँ, पुलिस वाले भाई रात और दिन में खड़े रहते हैं और हम लोग चैन से नींद लेते हैं। उसी तरह हम रात में सोते हैं और मिलिट्री भाई एयरफोर्स वायुसेना पुलिस डॉक्टर रात और दिन काम करते हैं और हम लोग चैन से नींद लेते हैं। इसलिए मैं सब लोगों को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि हमने भारत के अंदर जन्म लिया है, भारत का नाम रोशन करना है, क्योंकि हम भारत का हम भी व्यक्ति हैं। इसलिए हमारे को भी बोलने का अधिकार है। हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी क्या हुआ, हमारे को भी बोलने का अधिकार है, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। इसलिए हमेशा के लिए प्रेम से जीना सीखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।